गरीब लड़कियों की सफलता। एक गांव में रितु और ज्योति नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी। वो अपने माता पिता नंदू और माया के साथ रहती थी। उनके पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया था और उनके पिता नंदू की तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी। इस वजह से उनकी माँ माया दूसरों के यहाँ पर काम करने के लिए जाया करती थी। ये सब देखकर उन दोनों बहनों को काफी बुरा लगता था। और एक दिन की बात है, माया काम करने के लिए जा रही होती है, तभी वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सुनो मैं काम करने जा रही हूँ, तब तक तुम लोग घर का काम कर लेना और अपने पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पिताजी का ध्यान रखेंगे। और ये सुनकर माया वहाँ से काम करने चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद ज्योति ने रितु से कहा, हम लोग कितने मजबूर हैं, जो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी माँ कितना काम करती है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से सब कुछ माँ को ही करना पड़ता है। काश हम भी उनकी मदद कर पाते, पर क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए, जिससे हम अपनी माँ और बाबा की जिंदगी सही कर पाए। और ये कहकर वो दोनों काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन वो दोनों बहनें बाजार घूमने गई तो उन्होंने वहाँ पर समोसे देखे, तो दो समोसे उन लोगों ने घर के लिए पैक करा लिए। जब उन्होंने कागज की थैली देखी तो उनके दिमाग में कागज की थैली बनाने का काम आया और रितु ने अपनी बहन ज्योति से कहा, क्यों ज्योति, क्यों ना हम थैली का काम करें, इससे हम लोग अच्छे रुपए कमा लेंगे और माँ को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो हम लोग ये बात माँ को बताएंगे। इसके बाद वो दोनों समोसे लेकर घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद रितु अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ रितु, क्या बात करनी है। माँ हम लोग सोच रहे हैं, क्यों ना हम लोग कागज की थैली बनाने का काम शुरू कर दें, जिससे आपको भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और इससे हमें काफी ज्यादा बचत भी होगी। अपनी बेटी की बात सुनकर माया को भी उनकी बात काफी अच्छी लगती है और वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मुझे बहुत खुशी है जो तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो। ठीक है, मैं कल ही सारा सामान ले आऊंगी, इसके बाद हम लोग कल से ही थैलियां बनाया करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन माया कागज की थैलियों के लिए सारा सामान ले आती है और वे लोग थैलियां बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगता है और वो लोग इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर एक दिन अचानक नंदू अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को अपने पास बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा, तो तुम अपनी बेटियों का ध्यान रखना। ये सुनकर माया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं माया, मुझे पता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, इसलिए तुम मेरी दवाइयों में रुपए खर्च मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर रुपए खर्च करो, क्योंकि आज तक तुमने मेरे ऊपर बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए हैं। अरे पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर आपने हमें जन्म दिया है तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी देखभाल करें। मुझे पता है बेटी, पर अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, मुझे आभास हो गया है, इसलिए तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो और मेरी चिंता मत करो। ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और नंदू काफी देर तक उन लोगों से बात करता रहता है और बात करते करते ही नंदू अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उनके ऊपर एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पर नंदू के जाने के बाद वो लोग बुरी तरीके से टूट जाते हैं, पर वे लोग धीरे धीरे अपने आप को संभालते हैं और फिर से थैलियां बनाने का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरे और एक दिन की बात है, उनके पड़ोस में रहने वाली रेनू उनके घर पर आई और उसने उन लोगों से कहा, अरे माया बहन, मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। मुझे जब ये पता लगा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। अब तुम अपनी बच्चियों को कैसे पालोगी, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बच्चियों की शादी भी नहीं हुई है। हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब सब कुछ मुझे ही करना है। भले ही वो चारपाई पर लेटे रहते थे, पर थे तो मेरे सामने ही, पर अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट गई हूँ।
और ये कहकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रितु अपनी माँ को शांत कराती है और रेनू से कहती है, अरे आंटी आप ये क्या बातें लेकर बैठ गईं? जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और वैसे भी हम बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। हाँ रितु, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। वैसे मैंने सुना है कि तुम लोग कागज की थैलियाँ बनाते हो। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम लोग कागज की थैलियाँ बनाते हैं, और देखना हम लोग इसी काम को बहुत बड़ा कर लेंगे। इसके बाद रेनू उन लोगों से काफी देर तक बात करती रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वे लोग अपने काम को बड़ा करने की सोचते हैं। और एक दिन रितु ने अपनी बहन ज्योति से कहा, क्यों बहन, हम लोग इन थैलियों को अगर शहर में भी देने लगे तो इससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा और हमें और ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर शहर में जाएगा कौन? मुझे तो शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। हाँ पता है, पर क्या हुआ, यदि हम लोग जाएंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा, और वैसे भी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे। ये सुनकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वे लोग अपनी माँ की आज्ञा लेकर शहर में जाते हैं और वहाँ पर भी दो तीन ग्राहक बांध लेते हैं, और अब उनकी कागज की थैलियाँ शहर में भी जाने लगी। वे लोग दूसरी थैलियों के मुकाबले काफी अच्छे क्वालिटी में थैलियाँ बनाती थी, जिस वजह से उनकी थैलियों की मांग काफी ज्यादा हो गई थी, और उन्होंने अपने गाँव के काफी लोगों को रोजगार भी दिया था, जिससे गांव वाले काफी खुश थे। धीरे धीरे उनका काम बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने एक थैलियां बनाने की कंपनी खोली। तो उनकी माँ माया बहुत ही खुश हुई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि हम लोग गरीबी से कभी उठ पाएंगे, पर तुमने आज साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती है। अरे माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भले ही हम आपके बेटे नहीं हैं, पर हम बेटों से कम भी नहीं हैं। हम हमेशा आपका साथ देंगे और आपको रानी बनाकर रखेंगे। हाँ मुझे पता है कि मेरी बेटियाँ मुझे रानी बनाकर रखेगी। काश आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। और ये कहकर माया की आंखों में आंसू आ गए, पर रितु ने अपनी माँ से कहा, तो क्या हुआ माँ, पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे वो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि हम लोग हमेशा खुश रहें। ये सुनकर माया अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, और रितु और ज्योति ने अपनी मेहनत के दम पर थैलियां बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिससे उन दोनों का नाम गांव से लेकर शहर तक हो गया। सभी बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आने लगे और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई लिपस्टिक की। तो चलिए कहानी देखते हैं। एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना बहुत ही होनहार और सच्चे दिल की लड़की थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था। सपना बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। सपना की माँ मंदिर के आगे फूल बेचकर उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। कुछ दिनों बाद सपना की माँ भी उसको छोड़कर चली गई। अब सपना अनाथ हो चुकी थी। अपना खुद का पेट पालने के लिए वो मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। अरे बेटा मुझे 50 रुपए के फूल दे दो, और हाँ एकदम फ्रेश फूल देना। जी लीजिए। दोपहर तक सपना के सारे फूल बिक जाया करते थे। सपना को फूल बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से सपना का घर चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सपना जिस बगीचे से फूल तोड़कर लाया करती थी, उस बगीचे के मालिक ने सपना को फूल देने से मना कर दिया। ऐसा मत कीजिए मालिक, यहाँ के अलावा मैं फूल कहाँ से लाऊंगी, और अगर मैंने फूल नहीं बेचा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। देख सपना, मैं ये बगीचा बेच रहा हूँ, और जिन्होंने इस बगीचे को खरीदा है वह यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। जितने दिनों तक ये बगीचा मेरा था मैंने तुझे फूल तोड़ने के लिए कभी मना नहीं किया। सपना उदास होकर घर लौट आई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। माँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इतना सोचने के बाद सपना अपनी दोस्त चंदा के पास मदद मांगने के लिए जाती है। सपना जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में एक पर्स दिखा। उसने पर्स को उठाकर देखा तो उसमें दो चमचमाती हुई अलग अलग कलर की लिपस्टिक थी। सपना ने थोड़ी देर इधर उधर देखा कि अगर ये किसी और का होगा तो वो ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया तो सपना उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद सपना ने जब उस पर्स को खोला तो सपना को एक आवाज आई। सपना, तुम कौन हो और तुम कहाँ से बोल रहे हो? सामने आओ। सपना, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूँ और ये दोनों जादुई लिपस्टिक मैंने ही तुम्हें दी है। इस पर्स में दो लिपस्टिक है, इनमें से एक लिपस्टिक ऐसी है जिसे लगाने के बाद तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वही दूसरी लिपस्टिक ऐसी है जिसे लगाने के बाद कोई भी इंसान बहुत बदसूरत हो जाएगा और वो जो भी मांगेगा उसे उसका उल्टा मिलेगा। इतना कहने के बाद सपना के पिता की आत्मा गायब हो जाती है। सपना वो वाली लिपस्टिक लगाती है जिसे लगाने के बाद वो जो भी मांगेगी उसे वो मिल जाएगा। लिपस्टिक लगाते ही सपना बहुत खूबसूरत हो जाती है। सपना अपने आप को आईने में देखती है और बहुत खुश होती है। उसे अपने पिता की आत्मा की कही हुई बात याद आती है। फिर वो बोलती है, काश मेरे घर में खाने की बहुत सारी चीजें होती। सपना के इतना कहते ही उसका पूरा घर खाने की चीजों से भर जाता है। फिर सपना कहती है, काश कि मेरा घर बहुत बड़ा हो जाता। अब सपना का घर भी एक बहुत बड़े मकान में बदल जाता है। सपना बहुत खुश होती है और वो बाहर जाकर सभी गरीबों की मदद भी करती है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी सपना अपनी जादुई लिपस्टिक लगाकर उस चीज को मांगती थी और वो उसे मिल जाती थी। उसके बाद सपना उस चीज को जरूरतमंद इंसान को दे देती थी। पूरे गांव में सपना की प्रशंसा होने लगी। सभी सपना को बहुत मानते थे और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया गया था। ये सब देखकर सपना की सहेली चंदा सपना से बहुत जलने लगती है। वो सोचती है, कल तक तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, आज महारानी गांव की मुखिया बन गई है। आखिर ऐसा क्या लग गया इसके हाथों में? मैं एक काम करती हूँ, इसका पीछा करती हूँ। चंदा सपना का पीछा करने लगती है। घर जाने के बाद सपना जादुई लिपस्टिक लगाकर कुछ मांगती है। चंदा ये सब देखकर सब समझ जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब इस जादुई लिपस्टिक के कारण हो रहा है। एक दिन जब सपना अपने घर में नहीं थी तो चंदा उसके घर जाती है और हर जगह वो जादुई लिपस्टिक ढूंढती है। चंदा को सपना के घर में दूसरी लिपस्टिक मिल जाती है जिसे लगाने के बाद कोई भी बदसूरत हो जाता और वो जो मांगता उसे उसका उल्टा मिलता। लेकिन चंदा को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो लिपस्टिक लेकर बहुत खुश होती है। अब इसे लगाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। चंदा उस लिपस्टिक को अपने घर ले जाती है। वो बहुत खुश थी। उसने लिपस्टिक जैसी ही अपने होठों पर लगाई, चंदा बहुत बदसूरत हो गई। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं इतनी बुरी कैसे दिखने लगी? कोई बात नहीं, मैं अब जो बोलूंगी अब वही तो होगा ना। चंदा ये सोचकर एक बार फिर खुश हो जाती है और एक ही बार में बहुत सारी बातें बोलने लगती है। मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मेरे पास बहुत पैसे आ जाए और सपना बहुत गरीब हो जाए। मैं गांव की मुखिया बन जाऊं, पूरा गांव बस मेरी ही तारीफ करे। चंदा ने जो भी बोला सब उसका उल्टा उल्टा होता गया। चंदा और भी ज्यादा बदसूरत हो गई और उसका घर संपत्ति सब खत्म हो गया और गांव में सभी चंदा की बुराइयां करने लगे। ये सब देखकर चंदा बहुत घबरा गई। अरे, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? चंदा रोते हुए सपना के पास गई और उसने सपना को सारी बात बताई। सपना ने उससे कहा, चंदा, मेरे पास दो लिपस्टिक थी, एक ऐसी जिसे लगाने के बाद कोई भी इंसान सुंदर हो जाएगा
और वो जो भी मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। और वही दूसरी लिपस्टिक ऐसी थी जिसे लगाने के बाद कोई भी बहुत बदसूरत हो जाएगा और वो जो भी मांगेगा उसे उसका उल्टा मिलेगा। तुमने मेरी वो वाली लिपस्टिक चुरा ली जिसे लगाने के बाद सब उल्टा हो जाता है। तुमने लालच किया और चोरी भी, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चंदा उदास होकर अपने घर चली गई क्योंकि उसने गलती की थी, इसलिए उसको उसकी गलती की सजा भी मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि चोरी करना बुरी बला है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।